आया। नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यानी जो मेरी टेलीग्राम की चैनल है VIP एडिटिंग चैनल, तो उसमें मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल रखी हुई है। तो आप दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी अपने ये वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको सर्च में लिखना है VIP एडिटिंग लिखना है और ये जो चैनल है वो खोल लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो के लिंक के नीचे ये प्रोजेक्ट फाइल डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप ये प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों कभी कभार मैं PNG भी यहाँ पे डाल देता हूँ, तो PNG भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों बाद में आपने प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर दी, बाद में आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद जो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़काइवर एप्लीकेशन, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी ज़काइवर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद आपको ओपन कर लेनी है। बाद में आपने जिस भी फोल्डर में ये जो प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करके रखी हो वो आपको फोल्डर खोल लेना है। फोल्डर खोलने के बाद आपके पास एक ऐसी फाइल आ जाएगी जो कि RAR फाइल है, गणपति 3 RAR करके। बाद में आपको उस पर इस तरह क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप एक्स्ट्रैक्ट हियर पर क्लिक करोगे तो आपसे पहले तो पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये वीडियो पूरा देखना है, उसके अंदर जो बीच बीच में पासवर्ड डाला गया है वही पासवर्ड देख के आपको डालना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अभी मैं ओके कर दूँगा। तो दोस्तों ओके करते ही ये जो RAR फाइल ZIP फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। बाद में आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको जो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, नॉर्ड वीडियो एप्लीकेशन, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी दोस्तों नॉर्ड वीडियो एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले तो यहां पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉर्ड प्रोजेक्ट ZIP पर क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। बाद में आपको 3 लाइनिंग पर क्लिक करना है और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको माय फाइल्स पर क्लिक करना है इस तरफ, और इंटरनल स्टोरेज में चले जाना है। और आपने जिस भी फोल्डर में ये जो प्रोजेक्ट फाइल एक्सट्रैक्ट की हो वो फोल्डर आपको खोल लेना है, और आपको ये जो ZIP फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही दोस्तों आप ZIP फाइल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे नॉर्ड वीडियो एप्लीकेशन में ये जो फाइल है यहाँ ऊपर आ जाएगी। बाद में आपको फाइल को खोल लेना है इस तरह। तो दोस्तों अभी ये फाइल नॉर्ड वीडियो एप्लीकेशन में खुल रही है। तो दोस्तों ये फाइल अभी खुल गई है, तो यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर लेना है आपको। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मैंने फ़ोटो के नाम लिखे हैं, जो जो फ़ोटो यहाँ पे यूज़ हुए हैं उसके नाम के साथ मैंने डाले हैं। और दोस्तों आपको जो फ़ोटो चेंज करना है तो यहाँ से कोई भी फ़ोटो चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से मैं वीडियो के आगे थोड़ा चला जाऊँगा इस तरह। तो दोस्तों यहाँ ये जो गणपति का जो फ़ोटो है वो आप चेंज करना चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ योर फ़ोटो करके मैंने लिखा हुआ है, तो फ़ोटो आप चेंज कर सकते हो, या फिर दोस्तों कोई भी फ़ोटो आप चेंज कर सकते हो। तो मैं ये फ़ोटो चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो उस फ़ोटो पर क्लिक करना है, बाद में 3 लाइनिंग पर क्लिक कर लेना है, और आपको रिप्लेस पर क्लिक कर लेना है इस तरफ। तो दोस्तों रिप्लेस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बाद में आपको ये 3 लाइनिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर इमेज पर क्लिक कर लेना है। इमेज पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर होंगे सभी फोल्डर यहाँ आ जाएंगे।
तो यहाँ से आपको कोई भी PNG फ़ोटो या फिर कोई कटिंग किया हो आप फ़ोटो हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं ये फ़ोटो सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने फ़ोटो लिया, बाद में आपको यहाँ से वीडियो के आगे आना है, इस तरह आगे आना है। बाद में दोस्तों आपको अगर ये फ़ोटो बड़ा है, ये जो फ़ोटो आपने सिलेक्ट किया वो बड़ा हो है, तो आपको यहाँ पे उसको कम ज़्यादा इसकी साइज़ कर सकते हो। यहाँ से आप उसको आजू बाजू कर सकते हो और यहाँ से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। इस तरह आप फ़ोटो को आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इतना होने के बाद आपको ये वीडियो सेव करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो ग्रीन बटन है उस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ये प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस होने के बाद आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कॉमेंट में लिखना मत भूलना।